हेलो गाइस, क्या हाल चाल गाइस। आज आपको हम बताएंगे बहुत ही बढ़िया आफ्टर इफेक्ट्स के जो बेसिक्स होते हैं ना, मतलब यानी कि जिसने कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स कभी यूज़ नहीं किया उसको आफ्टर इफेक्ट्स देखने में बहुत ही मुश्किल सॉफ्टवेयर लगता है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक पूरी ओवरव्यू की नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी वीडियो को लेकर आना है, किस तरीके से इफेक्ट्स को डालना है जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, एंड किस तरीके से अपनी वीडियो को फाइनली रेंडर करके तैयार करके आप अपने पास रख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स सीखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आफ्टर इफेक्ट्स ओपन होगा तो इस तरीके से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने जो पहले प्रोजेक्ट्स इसमें सेव कर रखे हैं तो यहाँ पर वो नीचे शो हो रहे होंगे, एंड यहाँ पर साइड पर लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या क्या है। तो अगर आपको आपका आफ्टर इफेक्ट्स इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर विंडो के ऊपर, एंड यहाँ से वर्क स्पेस, एंड यहाँ से स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वाला रखिए आप। सपोज करिए आपका यहाँ पर इफेक्ट्स के ऊपर है तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखेगा आपको, तो वर्क स्पेस हम कर लेंगे स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड के बाद यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारे आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो चार हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। हमने किया वैसे कोई रूल नहीं है आपको समझाने के लिए, जस्ट ये होता है पहला सेक्शन जो ब्लू कलर की आप आउटलाइन देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को इम्पोर्ट करते हैं यानी कि लेकर आते हैं जिसकी हमें एडिटिंग करनी है या कंपोजिटिंग करनी है, ये पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन जहां पर हमारी सारी लेयर्स होती हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो होता है ये वाला सेकंड सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन इसके ऊपर वाला, ये वाला जिसके अंदर जो भी हम कर रहे हैं इफेक्ट्स डाल रहे हैं, हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो हम इसके अंदर देखेंगे। और चौथा सेक्शन ये वाला इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स जिसके अंदर सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे विंडो के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से उसको लेकर आ सकते हैं, व्यू है, एनिमेशन है, इफेक्ट है, ये सेम इफेक्ट हैं, ये वाला इफेक्ट जो यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं ये सेम है, लेयर है, कंपोजिशन है, एडिट एंड फाइल। तो ये बेसिक आपको मैंने बताया कि इसका इंटरफेस कैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन स्क्रीन। तो इंटरनेट पर गाइस आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है वो आगे खड़ा होता है और उसके पीछे हरे रंग का पर्दा होता है, तो ऐसी ग्रीन स्क्रीन वाली जो वीडियोस होती हैं उसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, तो ये यहाँ पर हम आज दूसरा टॉपिक कवर करें। पहले हमने यूजर इंटरफेस देखा, तो जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोज होती हैं उनकी बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हमारा जो पहला वाला खाना होता है हम अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो वीडियो को यहाँ पर लाने के तीन तरीके हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने फोल्डर में से डायरेक्ट अपनी वीडियो को सिलेक्ट करिए ग्रीन स्क्रीन वाली, उसको उठाकर इसके अंदर रख दीजिए तो ये यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा तरीका, इसके अंदर डबल क्लिक करो और जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी हुई है आप वहाँ से उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट कर दीजिए। और तीसरा तरीका, फाइल पर जाइए, यहाँ से इंपोर्ट फाइल और यहाँ से अपनी फाइल को ले आइए। मतलब तीन तरीके हैं ये पहले वाले बॉक्स के अंदर अपनी वीडियो को लाने के। तो हमारी वीडियो ये पहले वाले बॉक्स में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट जो सेकंड वाले हमारे ये वाला बॉक्स होता है टाइमलाइन वाला, इसके अंदर हमने लेकर आनी है। तो इसको सिंपली यहां से उठाया और ये न्यू कॉम्प का बटन होता है एक छोटा सा, ये वाला बटन होता है एक छोटा सा, तो हमने अपनी वीडियो को उठाकर इसके ऊपर यहां पर रख देना। तो हमारी वीडियो यहां पर पहुंच चुकी है और ये तीसरे वाले बॉक्स में हम अपनी वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं, सिंपल। एंड यहां पर ये नीचे एक स्लाइडर होता है, इससे पता लगता है हम अपनी वीडियो की टाइमिंग कौन से टाइमिंग पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड हम आगे क्या क्या चल रहा है। तो जैसे सपोज आप चाहते हैं कि ये शुरू वाला पार्ट जहाँ से हम वॉक करके आ रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए, हम अपनी वीडियो को सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट करना है, तो जहाँ से स्टार्ट करना है ये स्लाइडर को हम वहाँ पर रख देंगे। ये करंट टाइम इंडिकेटर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट टाइम इंडिकेटर, तो वहाँ पर हमने रख देना। उसके बाद कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, बी मतलब बिगिनिंग, यानी हमारी वीडियो यहाँ से बिगिन होगी, स्टार्ट होगी, तो हम बी प्रेस करते हैं तो देखिए ये वर्क एरिया का ये जो ये वाला होता है ये अपने आप यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था, शुरू में था, हमने बी दबाया ये आ गया।
तो हमें अपनी वीडियो कहां तक लेकर जानी है? सपोज करिए हमें वीडियो हमारी चाहिए यहां तक, तो यहां पर हम एंड दबाएंगे। एंड मतलब एंड, पहले बिगिनिंग था अब एंड, एंड के लिए एंड। तो ये पीछे वाला जो वर्क एरिया है ये यहां पर आ गया, पहले ऐसे था एंड दबाया ये आ गया। तो हमें इतना एरिया ही चाहिए वीडियो का, तो यहां पर हम करेंगे राइट क्लिक ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो हमारी पूरी टाइमलाइन उतने वर्क एरिया की ही बन गई। अब हम स्पेस बार से वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से ही हमारी वीडियो यहां पर पहुंच चुकी है। तो इस तरह से जितनी हमें वीडियो चाहिए थी हमने यहां पर ट्रिम कर लिया उसको। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि हम जो हाथ की मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है वो कितने एरिया में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा। यानी पहले तो मेरा हाथ, ये मेरा राइट हैंड है जो, पहले तो मेरे बॉडी के ऊपर ही आ रहा है। तो आगे चल के ये साइड पे आ रहा थोड़ा सा, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना बाहर जा रहा है ये ज्यादा से ज्यादा इतना बाहर गया है बस। तो ये एरिया, इतना एरिया हमें चाहिए। यानी कि जो साइड का फालतू एरिया है वो हमें नहीं चाहिए। तो पहले तो वो फालतू एरिया को हम डिलीट कर देंगे, हम क्रॉप कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका, ऊपर से ये पेन टूल होता है, ये पेन टूल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जितना भी एरिया हमें चाहिए वो हम पेन टूल की मदद से इस तरह से हम एरिया बना देंगे। तो हो सकते है आपके पास भी, जब आप सिलेक्शन करें तो इस तरीके से आपका ग्रे आउट हो सकता है, या व्हाइट कलर का हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिए एक नई लेयर क्रिएट हो गया है, शेप लेयर। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। हमें अपनी पहली लेयर को सिलेक्ट करना है, ये वाली ग्रीन स्क्रीन वाली। फिर हमने पेन टूल से ये सिलेक्शन बनानी है। तो जितना एरिया हमें चाहिए था हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब वापस से ये सिलेक्शन टूल वी दबाकर भी आ सकता है। एंड अब साइड में जो हमारा चौथा बॉक्स था इसके अंदर हम जाएंगे, यहां से किंग लिखा होगा, KEYING किंग, इसके अंदर जाएंगे। यहां से हम चूज करेंगे की लाइट 1.2, इसको उठाकर अपनी ये लेयर के ऊपर यहां पर रख देंगे। तो ये पहले वाले बॉक्स के अंदर इफेक्ट्स कंट्रोल खुल गए हैं, यहां पर एक की लाइट इफेक्ट ओपन हो गया। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर ये स्क्रीन कलर है एक, इसके आगे आई ड्रॉपर बना हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड इससे जो ग्रीन कलर है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये ग्रीन गायब हो गया, हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रिमूव हुआ ग्रीन, लेकिन इसमें गड़बड़ जरूर रहती है हमेशा। तो वो चेक कैसे करेंगे क्या गड़बड़ हुई है, तो यहां पर लिखा है फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम चूज करेंगे स्क्रीन मैट, स्क्रीन मैट को चूज कर लिया। अब स्क्रीन मैट के नीचे ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रीन मैट, इसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा टारगेट होता है कि जो वीडियो में जो व्हाइट कलर आ रहा है, ये मेरी बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर आ रहा है, ये पूरा व्हाइट हो। जैसे अभी देखिए मेरे टी शर्ट के ऊपर ये पूरा व्हाइट नहीं आ रहा, यहाँ पर ये कुछ ब्लैक ब्लैक पार्ट भी आ रहा है, और जो ब्लैक है पीछे वो वहां पर व्हाइट व्हाइट भी आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर ब्लैक को पूरा ब्लैक करना है एंड व्हाइट को पूरा व्हाइट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्लिप ब्लैक, क्लिप व्हाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिप व्हाइट, पहले हम खुद के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ मेरी टी शर्ट का जो ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये यहाँ से हट जाए, यानी कि पूरा मैं अपने आपको व्हाइट कलर का यहाँ पर चाहता हूँ। तो उसके लिए क्लिप व्हाइट की जो वैल्यू है वो हम थोड़ी थोड़ी कम करनी स्टार्ट करेंगे। ये स्लाइडर होता है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ हम ड्रैग करके कर सकते हैं चेंज। तो इसको ड्रैग करके थोड़ा सा, तो माउस की मदद से हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। तो देखिए ये व्हाइट हो गया, जहाँ पर हो वहीं पर छोड़ दो, ये नहीं कि हमने पूरा पीछे लेके जाना है तो खराब हो जाएगी वीडियो। थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा बस 92 पे आके ठीक लग रहा है। तो उसी तरीके से जो ब्लैक कलर की बैकग्राउंड पीछे आ रही है मेरे पीछे वो पूरी ब्लैक होनी चाहिए। तो उसके लिए क्लिप ब्लैक, इसकी वैल्यू को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देखिए पीछे हो गया पूरा ब्लैक, जहाँ पर हो जाए वहीं पर छोड़ दो। इसके बाद दो ऑप्शन और होती हैं हमारी जो मेन होती हैं, वैसे तो बहुत सारी ऑप्शन इसके अंदर, आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ऑप्शन हैं जो बिगिनर्स के लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है स्क्रीन श्रिंक, इसकी वैल्यू को हम करेंगे -0.5, हल्की सी एजिस ना अंदर की तरफ आ जाएंगे, और स्क्रीन सॉफ्टनेस ये 0.2 कर देंगे बस। इसके बाद हम वापस से अपने व्यू को स्क्रीन मैट से फाइनल रिजल्ट। तो अभी ये हमारी बैकग्राउंड। और एक चीज और, अगर आपकी ये स्क्रीन आप ना माउस के कर्सर से, तो अपने माउस के कर्सर से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने व्यू को, और या नीचे से फिट अप टू 100% भी कर सकते हैं।
तो अब हमारी ये बैकग्राउंड हो चुकी है रिमूव इफेक्ट्स कंट्रोल के साथ वाला जो टैब होता है ना यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट का टैब होता है, तो वापस इसके अंदर चल जाएंगे। तो बारी आती है अपनी नई बैकग्राउंड कैसे पीछे लगाएं। यहाँ पर करें डबल क्लिक पहली विंडो के अंदर, और सपोज करिए आपके पास अपनी कोई फोटो है, आपने खुद क्लिक की है, तो वो बैकग्राउंड की तरफ लगाना चाहते हैं। तो ये फोटो यहाँ पर पहुँच चुकी, इसको उठाकर हम इस बारी अंदर रख देंगे सीधा। जो पहली बारी हमने किया था वो हमने इसके ऊपर रखी थी, इस बारी हम उठाकर इसके अंदर रख देंगे। एंड एस दबाकर, एस मतलब स्केल साइज, एस दबाकर ये यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है एस, इसको हम छोटा कर देंगे। तो जितने भी आपको साइज रखना है आप उतना साइज रख सकते हैं। या अगर आपके पास कोई और बैकग्राउंड आपने कहीं से डाउनलोड की है, आपने खुद नहीं क्लिक की, तो वो भी आप ला सकते हैं। इम्पोर्ट करें, यहाँ से ये वाली बैकग्राउंड को ले आएंगे, इसको भी एस दबाकर स्केल किया, थोड़ा छोटा कर दिया। एंड यहाँ पर मुझे लगता है जैसे थोड़ी सी मुझे अपने खुद की बॉडी के ऊपर कलर क्रिएशन करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल, खुद की लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा चौथा वाला जो बॉक्स होता है इफेक्ट्स वाला, इसके अंदर यहाँ से हम चूज करेंगे कलर क्रिएशन। एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम चूज करेंगे लेवल्स। लेवल्स को उठाया एंड अपनी लेयर के ऊपर यहाँ से ड्रैग करके रख दिया। एंड यहां से हम कुछ कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले से बेटर हो गए कलर्स, और ये पूरी वीडियो की बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। आप प्ले करके दिखाते हैं आपको। तो ये मेथड को फॉलो करके आपकी जो वीडियोस हैं ग्रीन स्क्रीन वाली, आप उसे ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से रिमूव करके नई बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। अगर आपने पीछे कोई वीडियो लगानी है, जैसे हमने ये पीछे फोटो लगाई है, तो आपकी वीडियो फाइल भी सेम इसी तरीके से नीचे लाकर रख देनी है एंड वो पीछे वीडियो लग जाएगी आपकी। मेरे पास होती है एक वीडियो, मैं देखता हूँ लगाकर, हम ये वीडियो को लगाकर देखते हैं। तो ये पीछे वीडियो लग जाएगी आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पीछे फोटो लगाना चाहते हैं या वीडियो लगाना चाहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक जिसके अंदर आपने समझा कि कैसे आप ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वीडियो है, उसके आपने बैकग्राउंड चेंज करनी है, लेकिन उस वीडियो की जो असली बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर की नहीं है, यानी कि वो क्रोमा शूट या ग्रीन स्क्रीन शूट नहीं है। इस तरह से आपको देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो की बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो इस टॉपिक में हम यही चीज करेंगे। तो इस मेथड का नाम है रोटोस्कोप। तो सबसे पहले तो अपनी वीडियो को ड्रैग करके न्यू कॉम्प, जैसे हमने पहले देखा था, एंड इसके बाद ये करंट टाइम इंडिकेटर जो स्लाइडर होता है हमारा, जहाँ से हमने शुरू करनी है वीडियो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बी दबाया एंड जहाँ तक चाहिए यहाँ पर हमने एन दबा दिया। राइट क्लिक, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। अब स्लाइडर को उठाकर फर्स्ट फ्रेम शुरू पे ले आए। तो रोटोस्कोप के लिए सबसे पहले तो हम अपनी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। तो उसके लिए एडिट, यहाँ से डुप्लीकेट, एंड अब इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम कर देते हैं रोटो। तो अभी जो ओरिजिनल लेयर है हमारी उसको हम बंद कर देते हैं एंड रोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऊपर से हम चूज करेंगे रोटो ब्रश टूल। ये बंदा और ब्रश बना होता है, दो चीजें बनी होती हैं, रोटो ब्रश टूल। एंड अब विंडो में ये ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा, ये प्लस का बटन बना हुआ है। एक्चुअली ये ब्रश है, तो ब्रश का साइज जब छोटा होगा ना, बहुत ही छोटा साइज है, तो भी इस तरह से आपको एक एंकर पॉइंट सा बना नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं ब्रश का साइज बड़ा करना, तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल की और लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है राइट साइड की तरफ। जब राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे माउस को, तो ये बड़ा होता जाएगा। कंट्रोल प्रेस रखे रखे कंट्रोल नहीं छोड़ना कीबोर्ड से। अगर अपोजिट साइड लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, तो देखिए ये छोटा हो रहा है, बड़ा छोटा। तो ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इतना कर देते हैं। तो अभी हमें जो भी पार्ट चाहिए, तो जैसे हमें खुद का पार्ट चाहिए, हम खुद के ऊपर इस तरह से सिलेक्शन बना देंगे। ये रफ सिलेक्शन बनानी बस। आपकी वीडियो क्लियर होनी चाहिए, कई बार वीडियो क्लियर ना हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है आपको। तो ये रफ सी सिलेक्शन बना दी हमने। अगर मैं जूम करके देखूँ तो ये मेरा हाथ सिलेक्ट नहीं हुआ, हाथ के ऊपर आउटलाइन आ रही है, यानी कि हाथ अभी सिलेक्ट नहीं है। तो हाथ के ऊपर फिर से सिलेक्शन बना देंगे इस तरह से। तो अभी हाथ भी सिलेक्ट हो गया। एंड ये साइड का पार्ट ये फालतू है, ये हमें नहीं चाहिए। ये ट्री का पार्ट है, ये हमें सिलेक्शन में नहीं चाहिए। तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो ये ग्रीन वाला जो साइन है रेड कलर का हो जाएगा। ये देखिए रेड हो गया, ये ग्रीन, ऑल्ट दबाया रेड हो गया। तो अभी रेड जब हो गया, तब इसको हम यूज़ करेंगे साइड पर।
इस तरह से। तो अभी हम ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल दबाकर ये छोटा किया। अभी ऑल्ट दबाकर ये आर्म्स के बीच वाला हिस्सा जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम ऑल्ट दबाकर इसको भी डिसलेक्ट कर देंगे, इसको भी ऑल्ट दबाकर डिसलेक्ट। तो भी ये हमारी सिलेक्शन होगी। अभी ये काम हमें फ्रेम बाय फ्रेम करना है, तो अभी चले हैं हम नेक्स्ट फ्रेम पे। तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए यहां पर प्रीव्यू का, यहां पर देखिए नेक्स्ट फ्रेम लिखा हुआ है। अगर आपको ये प्रीव्यू नहीं शो कर रहा, सपोज करिए जैसे ये यहां पर नहीं शो कर रहा, तो आप यहां पर विंडो पर जाइए एंड यहां से प्रीव्यू, तो ये यहां पर आ जाएगा। तो यहां से हम जाएंगे नेक्स्ट फ्रेम। तो ये नेक्स्ट फ्रेम पे मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट फ्रेम, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक ये सही है। जैसे देखिए भाई यहां से गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी, ये देखिए ये वाले पार्ट से, तो ये कब से शुरू हुई है। वापस चलते हैं पिछले फ्रेम पे, प्रीवियस फ्रेम, यहां पर प्रीवियस फ्रेम, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से ठीक। तो अभी नेक्स्ट फ्रेम, यहां से गड़बड़ स्टार्ट हुई, यहां से ऑल्ट दबाकर इसको डिसलेक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट फ्रेम, यहां पर है ये छोटा सा और भी एरिया, इसको भी हम डिसलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेम, यहां से सही करेंगे, फिर यहां से नेक्स्ट फ्रेम, यहां से अब ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम, तो आप जूम करके ना चेक करते रहिए इस तरह से। ये देखिए गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी, वापस चलेंगे जहां से स्टार्ट हुई वो वाले फ्रेम पर, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ऑल्ट दबाकर डीसिलेक्ट। तो मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप करता हूं इसका, क्योंकि ये सेम चीज ऐसे ही चलेगी। तो जैसे अभी मैं कर रहा हूं गाइस नेक्स्ट फ्रेम, ये यहां से नेक्स्ट फ्रेम, तो अभी देखिए इस तरह से आपके साथ हो सकता है। ये पिछले फ्रेम पर देखिए ये सिलेक्शन पूरी कंप्लीट है मेरी, एंड नेक्स्ट फ्रेम जब मैं करता हूँ तो ये सारी सिलेक्शन साइडों पर आ गई मेरे से हटके। तो ये कुछ गड़बड़ नहीं है, ये जस्ट जो सिलेक्शन का एरिया है वो कम है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है जो मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये एरिया होता है, ये हम ड्रैग कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये देखिए ये एरिया हम जितना बढ़ाएंगे तो ये वापस ही सही हो गया, देखो अपने आप सही हो गया। तो अब सिंपली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी रोटोस्कोप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, आपको जितने फ्रेम चाहिए आपने वो कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको वापस से ऊपर कंपोजिशन का टैब होता है यहाँ पर, इसके अंदर आप वापस से आ जाएं। तो देखिए ये बैकग्राउंड आपकी रिमूव हो चुकी है, वापस से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये प्रोजेक्ट का टैब होता है। अभी इफेक्ट्स का टैब खुला हुआ है, यहाँ पर हमने इफेक्ट यूज़ किया रोटोस्कोप, और इसके साथ में ये प्रोजेक्ट का टैब होता है, इसके अंदर वापस से चल जाएंगे एंड यहाँ से जो हमने नई बैकग्राउंड को लगाना है, तो यहाँ से राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल, एंड यहाँ से अपनी नई बैकग्राउंड ये वाली लगाते हैं, इसको लेकर यहाँ पर नीचे रख देते हैं, एस दबाकर स्केल एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो अभी हमने वीडियो में से बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया, पहले हमारी ये थी, अभी ने वीडियो में से बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे अभी एजेस बहुत ज़्यादा शार्प आ रही हैं, तो हम ये रोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वापस से इफेक्ट्स टैब, इसके अंदर जाएंगे, यहां से फेदर की ऑप्शन है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास ये फेदर की ऑप्शन आ रही है, तो फेदर कम कर देंगे करीब 15-20-16 कर देते हैं, एंड इससे एजेस थोड़े से स्मूथ हो गए हैं, थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, 20 कर देते हैं। लेकिन आप देखिए ये एजेस ना थोड़े से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट आउटलाइन आ रही है, तो एजेस को हमने कम करना है ताकि ये व्हाइट व्हाइट आउटलाइन ना आए। तो यहां पर शिफ्ट एज, ये शिफ्ट एज लिखा हुआ है, इसको हम नेगेटिव की साइड इसको कर देते हैं -15 कर देते हैं। तो देखिए ये एजेस गायब होगी। तो अब आप अपनी लेयर के ऊपर कुछ कलर करेक्शन करना चाहते हैं, तो रोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करिए, यहाँ से ये इफेक्ट्स प्रीसेट मेरा नीचे चला गया, इसको उठाकर ऊपर ड्रैग कर देते हैं इस तरह से, यहाँ से कलर करेक्शन, और इसके अंदर से हम फिर से लेवल्स यूज़ कर देते हैं,
लेवल्स उठाया इसके ऊपर, थोड़ी सी वाइब्रेंस भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इतनी सी थोड़ी सी प्ले करके देखते हैं, हम इतना एरिया अगर प्ले करके देखें तो यहाँ से इसको उठाकर इतना रखा हमने, नी एरिया को प्रीव्यू करके देखते हैं स्पेस बार से। तो देखिए हमने वीडियो की बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, एंड अगर आपकी कुछ गड़बड़ रह जाए जैसे ये वाले फ्रेम पे आप देखिए, ये ऊपर देखिए, ये ट्रीज का पार्ट थोड़ा सा रह गया था गलती से, तो ये आप फिर से अभी से चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। आप एंड रोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर वापस से रोटो ब्रश टूल को सिलेक्ट करिए और ऑल्ट दबाकर ये ऊपर से पार्ट को इरेज कर दीजिए इस तरह से, सिंपल। वापस से कंपोजिशन में आ जाइए, तो ये देखिए रिमूव हो गया। तो ये रोटोस्कोप का पार्ट है, इस तरीके से आप रोटोस्कोप का यूज करते हुए बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं एंड नई बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक रोटोस्कोप। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है जो है टेक्स्ट एनिमेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो कॉम्पोजिशन का टैब होता है क्रिएट ए न्यू कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम प्रीसेट चूज करेंगे। यहाँ से हम कर देते हैं यहाँ से HDTV 1080 25 और इस कॉम्पोजिशन का नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। यहाँ से जो ड्यूरेशन है वो हम कर देते हैं 10 सेकंड्स। ओके, तो ये हमारी एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट होगी। अब यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड बना देते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे लेयर न्यू एंड सॉलिड ब्लैक कलर, हमारी ये बैकग्राउंड होगी, इसके ऊपर हम टेक्स्ट एनिमेशन करते हैं। तो जब भी आपने टेक्स्ट एनिमेशन करनी है सबसे पहले तो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, तो टेक्स्ट टूल होता है यहां पर ऊपर, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया। अब जो हमारी ये स्क्रीन है यहां पर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर का कर्सर आ जाएगा, यानी कि हम यहां पर अब टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहां पर लिख देते हैं एनिमेशन, लिख देते हैं चलो एनिमेशन, कंट्रोल ए दबाकर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ साइड पर करैक्टर की विंडो होती है, ये करैक्टर अगर ये नहीं शो हो रहा, सपोज कर ये बंद है यहाँ पर, तो हम विंडो पर जाकर यहाँ से करैक्टर यहाँ पर खोल सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं जैसे फोटोशॉप में होती हैं सेम, या से आप साइज इसका बढ़ा सकते हैं, तो इसको जैसे आप सेंटर में लेकर आना है तो सेंटर में कैसे लेकर आए, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे विंडो पे, यहाँ पर अलाइन, तो ये अलाइन का बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से हम अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली, तो ये सेंटर में आ गया। तो टेक्स्ट हमने लिख दिया, अब बारी थी इसको एनिमेशन करने की। तो इस एनिमेशन करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं, जो हम पहले टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेयर्स में से टेक्स्ट वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया, ये एरो है ड्रॉप डाउन का, ये छोटा सा, इसके साथ में ये ड्रॉप डाउन छोटा सा एरो होता है ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं एनिमेशन की, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। तो अभी आपको मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी चीज़ें आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को आपने एनिमेशन करनी है, जैसे आप चाहते हैं कि इसकी साइज़ पहले छोटा हो फिर थोड़ा थोड़ा साइज़ बड़ा होता रहे, यानी कि स्केल, तो जहाँ से हमने एनिमेशन करनी है सबसे पहले तो ये स्लाइडर होता है जो करंट टाइम इंडिकेटर, इसको उठाकर हम बिल्कुल शुरू में फर्स्ट फ्रेम पर ले आएंगे एंड यहाँ पर स्केल के साथ में घड़ी बनी हुई है ये वाली स्टॉप वॉच, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये की फ्रेम आ जाएगा एक, ये छोटा सा, ये देखिए दोबारा क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, फिर से क्लिक करते हैं ये की फ्रेम आ गया यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले स्केल की वैल्यू होगी 100। अब ये टाइम इंडिकेटर को, ये स्लाइडर को उठाकर हम लेकर चलते हैं पूरे लास्ट में 10 सेकंड्स में, और अब इसके साइज को हम बड़ा कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 120। तो ये यहाँ पर एक और की फ्रेम बन के आ गया अपने आप। तो अभी हम शुरू में वापस चलते हैं एंड स्पेस बार से प्ले करते हैं वीडियो, तो ये एनिमेशन टेक्स्ट देखिए बड़ा हो रहा है एंड मुझे लगता है टाइम काफी ज्यादा ले रहा है, हमें
5 सेकंड्स में ही चाहिए एनिमेशन। तो हम ये स्लाइडर को उठाकर 5 सेकंड के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकंड्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे, और ये की फ्रेम को उठाकर यहाँ पर। तो अभी हम प्ले करते हैं, देखिए ये एनिमेशन बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो ये आगे भी ऐसे फालतू चलती रहेगी, तो हम यहाँ पर ही ये वर्क एरिया को यहाँ पर एंड कर देते हैं इस तरीके से, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो ये हमने साइज को एनिमेशन कर दी, इसके स्केल को एनिमेशन कर दी। तो ये तो थी एक तरीका एनिमेशन करने का, अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही कूल, बहुत ही स्टाइलिश वाले फीचर्स हैं, वो है यहाँ पर ये एनिमेट लिखा हुआ है, यहाँ पर एनिमेट। इसके आगे ये छोटा सा बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जो मेन मैन है वो आपको बताता हूँ। एक तो पहले ना एक मूवीज वाला इफेक्ट होता है, फिल्मों में काफी ज्यादा देखा होगा, वो है करेक्टर ऑफसेट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, ये चारों जो सिलेक्ट हैं, ये नई ऑप्शंस आ गई हमारे पास। तो इनको यूज कैसे करना है, पहले तो ये स्लाइडर को उठाकर शुरू में रखा हमने एंड यहाँ पर करेक्टर ऑफसेट लिखा हुआ है, इसके साथ भी घड़ी है करेक्टर ऑफसेट के साथ में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो हम इसकी वैल्यू को पहले बढ़ा देते हैं, क्रीप कर देते हैं हम इसको 20 एंड 2 और 3 के बीच में 2.5 सेकंड पे हम इसकी वैल्यू को करेंगे 0। तो अभी हम प्ले करते हैं अगर, तो ये चीज़ आपने फिल्मों में ज़रूर देखी होगी कि पहले टेक्स्ट कुछ ना कुछ ऐसे बदलता रहता है एंड फिर नाम आ जाता है। तो ये थोड़ा सा लेट है, हम ये की फ्रेम उठाकर थोड़ा सा आगे ले आते हैं, अगर थोड़ा सा जल्दी रिवील हो हमारा टेक्स्ट, ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक और बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी ध्यान से देखिए ये कैसे करते हैं, बहुत ही कूल लगती है लेकिन। तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी एंड यहाँ से प्रॉपर्टी हम चूज करेंगे ब्लर। अब ये ब्लर नीचे ऐड हो गया, ये यहाँ पर। तो ब्लर के साथ में जो घड़ी है ना, तो इस बार हम डायरेक्ट ब्लर की घड़ी पे क्लिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एंड अब ये घड़ी पे प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पर एक चीज़ खुल जाएगी, इसको एक्सप्रेशंस कहते हैं, जैसे आप कोडिंग भी कह सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस वैसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लिखना विगल WIGGLE ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं 50, 100, ये वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दो। तो अभी हम प्ले करेंगे ना वीडियो को, देखिए तो इफेक्ट आएगा, एक बहुत ही कूल इफेक्ट आएगा, वो देखो ऐसे एनिमेशन का इफेक्ट होता है ना, जो फ्लिकर स्टाइल की चीज है। तो इसको और बेटर भी कर सकते हैं, हम यहां पर ऐड पर जाकर फिर से एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जो है ओपेसिटी की एंड यहां पर फिर से हम ये घड़ी पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे ऑल्ट के साथ क्लिक एंड इसके अंदर हम लिखेंगे विगल WIGGLE ब्रैकेट स्टार्ट 50, 100 कहीं भी क्लिक और अब प्ले करते हैं। देखिए अभी और बेटर लग रहा है इफेक्ट, पीछे से म्यूजिक चलता ना पूरा बेस वाला डिश, मतलब ऐसे स्टाइल का, तो ये इफेक्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा इसके साथ। तो ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन का स्टाइल, मतलब टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करें आप, सेम चीज़ ना आप फोटोज़ पे वीडियोज़ में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक फ़ोटो है, हमने इधर ही रख देते हैं सबसे ऊपर, तो आप फोटो को एनिमेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले तो ये फोटो को फिट कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट एफ, और ये साइड की तरफ ज्यादा स्ट्रेच है तो साइड से इसको अंदर कर देते हैं। तो अब चाहते हैं अगर फोटो को एनिमेट करना, जैसे स्लाइड शो टाइप, बेसिक जो स्लाइड शो होता है, जूम इन जूम आउट वाली चीज, तो वो चीज आप कर सकते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी को यहां से खोला ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर स्केल पे क्लिक किया, अब चले गए लास्ट फ्रेम पर एंड जो स्केल है इसकी वैल्यू को, जैसे अब 36 है तो उसको कर देते हैं 40। तो अभी प्ले करते हैं इसको, तो ये देखिए ये एनिमेट होकर आ रही है। वैल्यू को आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको 50 कर देते हैं, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड कर देगा आपको कितनी स्पीड से एनिमेट करना। तो गाइस ये था टॉपिक
एनिमेशन का, जिसके अंदर आप की फ्रेम्स का यूज करके एनिमेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट ट्रैकिंग। आपने कोई सीन शूट किया है एंड आप चाहते हैं कि वो सीन के साथ में जो टेक्स्ट है वो साथ साथ में मूव करे, जैसे कि कैमरा की मूवमेंट आपकी आ रही है, आप जो टेक्स्ट लिखे हैं वो बिल्कुल वैसे ही लगे कि जैसे सीन के अंदर ही है टेक्स्ट, वो चीज कैसे करें? तो बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा जिसका। पहले तो अपने यहाँ पर हम राइट क्लिक करके इम्पोर्ट एंड अपने वीडियो को यहाँ पर ले आते हैं, इसको ड्रैग करके ऐड टू न्यू कॉम्प एंड ये स्लाइडर से पहले हम एरिया सेलेक्ट कर देते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए वीडियो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बी दबाया बिगिनिंग, जहां तक चाहिए हमें इतने तक करते हैं, एंड दबा के एंड, राइट क्लिक ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो अभी पहले प्ले करके देखते हैं वीडियो। तो ये हैंडहेल्ड शॉट है तो इसलिए कैमरा मूव कर रहा है, हिल रहा है। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो लिखा हो ना वो इसी कैमरा मूवमेंट के साथ मैच करे, तो उसको कहते हैं गाइस ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग के लिए हम जाएंगे ऊपर पहले विंडो पे एंड यहां से हम यूज करेंगे ट्रैकर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहां पर ना एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी ट्रैकर के अलग से, ये चीज। यहां पर चार ऑप्शन है मेन वैल्यू पर, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्रैक कैमरा, ये पहली वाली, ट्रैक कैमरा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग एक स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी साइड पे आपको दिखा रहा है कितने फ्रेम्स हो गए, कितने टोटल फ्रेम्स हैं, कितना टाइम रह गया अभी और कितना टाइम लगेगा। तो लो जी, हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमारे पास ये ट्रैक पॉइंट्स आ गए, छोटे छोटे आप देख सकते हैं, वैसे बड़े बड़े इनको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक पॉइंट साइज है, इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हम सीन भी देख सकें। तो यहाँ पर गाइस हमारी पहली चीज हमें देखनी है कि हमें टेक्स्ट लिखना कहाँ पर है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये ग्राउंड है ना जो ग्रास के ऊपर, यहाँ पर हम कहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे अपनी जगह से। जैसे अभी देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है इस जगह पर, ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद एक पॉइंट आ जाएगा नया, ये देखो अभी आ गया येल्लो, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, ये देखो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे अपनी जगह से, यानी कि वो पूरी वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक वो वहीं के वहीं, आपने ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये स्लाइडर आगे पीछे करके आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये नहीं हिल रहे अपनी जगह से, ये देखिए ये यहीं के यहीं रहेंगे, ये रेड येलो और ब्लू, ये तीनों पॉइंट्स यहीं पर रहेंगे। येलो हिल रहा है थोड़ा सा पर वो एंड में आगे हिल रहा है, बाकी पूरी वीडियो में नहीं हिल रहे ये तीनों पॉइंट्स। तो हम तीनों इन तीनों का यूज करेंगे एंड यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप भी बन रही है, तो यहाँ पर ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट क्लिक क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, ठीक है, यहाँ से जूम आउट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख के आ गया, तो टेक्स्ट की लेयर को हम यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करेंगे, एस दबाया, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, एंड टेक्स्ट को हम ऑल कैपिटल्स कर देते हैं। फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट चाहते हैं, इम्पैक्ट फॉन्ट, ये लिख सकते हैं हम, वो आपकी मर्जी, आप टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से अब हम प्ले करेंगे अगर वीडियो, तो देखिए ये पूरा सीन में हमारा एनिमेट हो रहा है टेक्स्ट, जैसे जैसे हमारा कैमरा मूव हो रहा है ये टेक्स्ट बिल्कुल उसी के साथ में जा रहा है। तो कैमरा हमारा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो टेक्स्ट भी वैसे ही जा रहा है। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट ना कटे पूरा आए, तो टेक्स्ट को जस्ट सिलेक्ट करिए एंड ये एक्स एक्सिस में, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये रेड कलर के साथ एक्स लिखा हुआ है छोटा सा, इसको उठाकर हम अंदर की तरफ कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे टेक्स्ट वहीं पर होता है। तो ट्रैकिंग करने के गाइस दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअल ट्रैकिंग का मेथड, जो होता है हम ट्रैक मोशन से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको खुद से मैनुअली करना पड़ता है काम, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ट्रैक मोशन में आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पर ये ट्रैक पॉइंट आ जाएगा एक, तो इसको उठाकर आपने ना हाई कॉन्ट्रास्ट पॉइंट, जैसे सबसे ज़्यादा ब्लैक या सबसे ज़्यादा वाइट पॉइंट जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने रखना है इसको। जैसे यहाँ पर ये वाइट वाइट कुछ एरिया है, तो वाइट के ऊपर हम यहाँ पर रख देते हैं इसको, मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और यहाँ से हम पहले फ्रेम पर ही आ जाते हैं, पहले शुरू में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है एनालाइज फॉरवर्ड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ये अपने आप चल रहा है अभी, इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये ट्रैकिंग यहाँ पर इसने कर दी है,
अब यहाँ पर एक नया नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक, न्यू नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये नल खाली ऑब्जेक्ट है, नल ऑब्जेक्ट मतलब खाली ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम ये डाटा जो हमने ट्रैकिंग किया है इसको सेव करेंगे। वो कैसे, वो यहाँ पर लिखा है एडिट टारगेट, इसके अंदर जाके नल को सिलेक्ट करेंगे, ओके, यहाँ से क्लिक कर देंगे अप्लाई, ओके। तो ये डाटा नल ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट, इसको उठाकर थोड़ा सा नीचे रख दिया यहाँ पर। एंड अब टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके आगे लिखा होता है पेरेंट एंड लिंक, पेरेंट एंड लिंक, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नल वन। तो अब टेक्स्ट को, अब हम वीडियो को प्ले करते हैं शुरू से। तो देखिए यहाँ पर भी टेक्स्ट पूरा ट्रैक था सीन के अंदर। तो ये दो तरीके होते हैं, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, आप दोनों को ट्राई करें। तो ये था हमारा टॉपिक टेक्स्ट ट्रैकिंग का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है शॉर्ट स्टेबलाइजेशन। तो जैसे अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, तो यहाँ पर अगर हम प्ले करते हैं वीडियो को तो ये ना काफ़ी शेकी है, क्योंकि हैंड हेल्ड वीडियो है बिना किसी ट्राईपॉड किसी चीज़ के। तो अभी कैमरा थोड़ा सा शेकी है, हिल रहा कैमरा, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा स्मूथ मूवमेंट हो इसकी, मतलब इतना शेक इतना झटका जो आ रहा है वो ना हो। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसके लिए विंडो में जाएंगे, यहाँ से फिर से हम ट्रैकर को चूज़ करेंगे और इसके अंदर हम चूज़ करेंगे वॉर्प स्टेबलाइजर। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो फिर से एनालाइजिंग स्टार्ट होगी। गाइस ये डिपेंड करेगा आपकी वीडियो के ऊपर, अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी है तो शायद इसको दिक्कत हो करने में, अगर थोड़ी कम शेकी है तो वहाँ पर आप इसका यूज ले सकते हैं। तो इसको अभी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी ये स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, अभी हम वीडियो को प्ले करते हैं। देखिए पहले से कितनी स्मूथ मूवमेंट हो रही है। अभी मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, पहले कैसी थी अब कैसी आ रही है। अभी एक इसको अब देखिए कितनी ज़्यादा सटल, कितनी स्मूथ मूवमेंट आ रही है, बिल्कुल भी शेक है ही नहीं, जैसे शेक ही नहीं होता ट्राईपॉड से शूट किया होता। तो पहले कैसी थी वो भी दिखाता हूँ। अब इसको बंद किया, इफेक्ट को यहाँ पर, ये इफेक्ट्स लिखा हुआ है इसको बंद कर देते हैं। तो अभी देखिए पहले कैसी थी, ये देखो कैमरा हिल रहा है ना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शुरू में हिलता है कैमरा, ये देखो। तो अभी इसके साथ ये कितनी स्मूथ मूवमेंट हो रही है। तो ये था गाइस शॉर्ट स्टेबलाइजेशन का मेथड, जैसे आप अपनी वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो टाइम रीमैपिंग। हम एक नई वीडियो को लेकर आते हैं यहाँ पर, इसको उठाकर न्यू कॉम्प। तो गाइस टाइम रीमैपिंग क्या होता है, स्लो एंड फास्ट मोशन एक साथ, मतलब जैसे आपका शॉट आप चाहते हैं पहले एकदम फास्ट होकर आए, फिर एकदम स्लो हो जाए शॉट, फिर फास्ट हो जाए, फिर स्लो हो जाए, वो चीज़ बहुत ही कूल लगता है वो देखने में, तो वो चीज़ हम करते हैं। तो जैसे अभी मैं एंड मैं चाहता हूँ पहले तो क्लिप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बी दबाए बिगिनिंग के लिए एंड जहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पर एंड दबा दिया, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो पीछे से मैं चल कर आ रहा हूँ ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ तक ये फास्ट हो जाए मूवमेंट, मतलब ये चीज़ ना सॉरी ये मैं बहुत तेज़ तेज़ आऊँ, फिर यहाँ पर ये जो मैं चल कर आ रहा हूँ ये स्लो मोशन में है शॉट, बिल्कुल स्लो। तो अभी तो सारे को जैसे नॉर्मल स्पीड होती है, तो नॉर्मल स्पीड अभी वीडियो चल रही है हमारी। तो अभी इसको हम करते हैं, पहले फास्ट मूवमेंट यहाँ तक फास्ट एंड यहाँ के बाद ये स्लो मूवमेंट इस तरह से, तो वो चीज़ कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक टाइम एंड यहाँ पर करेंगे इनेबल टाइम रीमैपिंग। तो ये टाइम रीमैपिंग यहाँ पर की फ्रेम्स लग गए, दो की फ्रेम्स लग गए। तो हमने क्लिप को ना ट्रिम किया था लेफ्ट और राइट साइड से, तभी वो शो नहीं हो रहे। बिना ट्रिम के अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर दो की फ्रेम्स आपको शो होंगे। एक की फ्रेम लगाया यहाँ पर, ये छोटा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायमंड शेप है यहाँ पर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम आ जाएगा। यहाँ से लेकर मैं चाहता हूँ यहाँ तक कि ये मूवमेंट सारी फास्ट हो, तो यहाँ पर एक और की फ्रेम लगा देंगे, दो की फ्रेम्स आ गए। मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो, तो वो कैसे करेंगे, इसका जो गैप है ना इसको कम कर देंगे। इसको उठाया और आगे की तरफ ले गया यहाँ पर,
तो अभी मैं शुरू वाला पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी फास्ट है ना, थोड़ा और फास्ट भी कर सकते हैं इसको, इतना फास्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद का जो पार्ट है यहां पर एक की फ्रेम लगाया और यहां पर एक की फ्रेम लगाया, ये पार्ट यहां से यहां तक हम जाते हैं स्लो, तो स्लो करने के लिए इसका गैप को बढ़ा देंगे, इसको उठाकर आगे शिफ्ट कर दिया। तो भी देखिए देखिए इसके बाद अगर आप चाहते हैं फिर से फास्ट हो तो ये वाले की फ्रेम के ऊपर आए, यहां से नेक्स्ट की फ्रेम, यहां पर एक की फ्रेम लगाया, यहां से हम चाहते हैं यहां तक फास्ट मूवमेंट हो, एक और की फ्रेम लगाया, इनका गैप को कर दिया कम, यहां से प्ले करते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यहां से स्लो करना चाहते हैं, ये की फ्रेम लगाया, इनका गैप को बढ़ा दिया, तो ये सारा कुछ स्लो होगा, पहले फास्ट फिर स्लो। तो इस तरीके से आप गाइस कर सकते हैं स्लो एंड फास्ट वाली जो मूवमेंट होती है, यानी कि टाइम रिमैपिंग वाला इफेक्ट, तो बहुत ही कूल लगता है वीडियोस में। तो गाइस हमारा लास्ट टॉपिक जो है एक्सपोर्ट कैसे करें, रेंडर कैसे करें फाइल को, तो इसके तीन तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका, जैसे अभी ये हमारी वीडियो है, हमारी क्लिप है, हम चाहते हैं इसको एक्सपोर्ट करें, रेंडर करें, कैसे करें? तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है ऊपर से कंपोजिशन, यहां से ऐड टू रेंडर क्यू। तो यहां पर एक नई रेंडर क्यू खुल जाती है, इसके अंदर आपने जाना है आउटपुट मॉड्यूल लॉसलेस, एंड इसके अंदर आप यहां पर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, आपको कौन से फॉर्मेट में जाइए, AVI क्विक टाइम दोनों बेस्ट होते हैं, तो अभी AVI ठीक है, ओके। एंड आउटपुट टू, अब कहां पर सेव करना चाहते हैं, तो यहां पर आप पाथ इसको डिसाइड कर सकते हैं, जो भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं यहां से चूज कर लीजिए, एंड यहां पर इसका नाम हम रख देते हैं try1 सेव, एंड यहां से अब हम क्लिक करेंगे रेंडर, तो ये रेंडरिंग स्टार्ट होगी। कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है, हम कैप्स लॉक ना कीबोर्ड से ऑन कर देंगे, कैप्स लॉक का बटन दबा दीजिए, तो ये थोड़ा सा इसका टाइम कम लेगा, क्योंकि साथ साथ में ये प्रीव्यू दिखाना बंद कर देता है, तो ये टाइम इसका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, नॉर्मल से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये रेंडरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है ट्राई वन वाली फाइल, इसको हम प्ले करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ है, ये आप ध्यान रखें, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें एक चीज़ है गाइस, इसका जो साइज़ बनेगा ना बहुत ही बड़ा बनेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें तो ये साइज़ छोटी सी क्लिप का बनेगा, 3-4 GB के करीब ही है, 3.93 GB। तो दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जिससे साइज थोड़ा सा कम बनेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे कंपोजिशन, एड टू रेंडर क्यू नहीं करेंगे, एड टू मीडिया एनकोडर क्यू करेंगे इस बारी। ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बढ़िया रहती है एंड साइज बहुत ही कम बनता है, वो तो 4 GB का बन गया था इतना छोटा सा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है खुलने को, क्योंकि ये कम यूज़ करते हैं तो टाइम ज़्यादा लेगा खुलने को। तो अभी ये यहाँ पर खुल चुका है, लेकिन यहाँ पर अब तक हमारी फाइल ये शो नहीं हो रही, तो अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, देखते हैं कब तक शो होती है। आ गई ये फाइल हमारी यहाँ पर पहुँच चुकी है, हम मैच सोर्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आउटपुट नेम जहाँ पर हमने सेव करनी है वो पाथ खोल देते हैं, यहाँ से इसका नाम भी हम ट्राई टू कर देते हैं, ट्राई टू सेव। अब देखिए ये एस्टिमेटेड फाइल साइज 31 MB, बस वो बता रहा था 4 GB, ओके, एंड यहाँ से ये प्ले के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो अभी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी रेंडर हो गया, एंड अब हम वीडियो को प्ले करते हैं, ये ट्राई टू आ रहा है, इसका पहले साइज चेक करो, 31 MB, बिल्कुल सही है, प्ले करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं इसकी। तो क्वालिटी भी बढ़िया यार,
तो अभी आपको तीसरा तरीका बताता हूँ एक्सपोर्ट करने का। तो वो तरीका काम आएगा जब आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, जैसे पीएनजी की फॉर्म में, जैसे फोटोशॉप में पीएनजी बनाते हैं ना, ऐसे वीडियो का जो पीएनजी होती है, जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं एनिमेशन, उसको थोड़ा कलर भर देते हैं इसके अंदर कुछ, एंड इसको हम एनिमेशन कर देते हैं सिंपल सी, स्केल एंड यहाँ पर 120। क्योंकि अगर सिंपली हम रेंडर करेंगे तो ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आएगा, तो हमें इसको पूरा पीछे से ट्रांसपेरेंट की सेव करना वीडियो को। तो बहुत ही आसान तरीका, आपने जस्ट जाना कंपोजिशन, ऐड टू रेंडर क्यू, लॉसलेस, एंड इसके अंदर चैनल्स में जाकर हमें चूज करना आरजीबी प्लस अल्फा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अभी हम इसका पाथ एंड नाम सेट कर देते हैं, टेक्स्ट आरजीबी अल्फा रेंडर, कैप्स लॉक दबा देते हैं। तो ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया, न्यू प्रोजेक्ट, डाउन सेव, यहां पर हम अपनी कोई भी वीडियो को लेकर आते हैं, जैसे ये वाली वीडियो को ले आते हैं, इसको न्यू कॉम के ऊपर रखा, एंड यहाँ पर हम वो टेक्स्ट एनिमेशन को लेकर आते हैं, ये टेक्स्ट आरजीबी अल्फा, इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया हमने ड्रैग करके, इसको इसके ऊपर रख देते हैं हम, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जैसे पीएनजी होती है ना फोटोशॉप में, तो ये वीडियो की पीएनजी बनकर आया, ये एनिमेशन भी पूरी साथ में हो रही है इसकी, बहुत हाई क्वालिटी है। एंड हाँ, इसका भी साइज बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि वैसे जो फोटो की पीएनजी होती है साइज उसका भी बड़ा होता है, तो ये वीडियो की पीएनजी कह सकते हैं, मतलब इसका साइज तो वाकई बड़ा होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कितना साइज आ रहा है इसका, ये 5 सेकंड की है मुझे लगता है, तो ये 5 GB, 5 सेकंड की 5 GB बना दी इसने, लेकिन ये क्वालिटी हाई रहती है, बढ़िया क्वालिटी में आ जाता है। तो अब गाइस कुछ स्पेशल टिप्स, एंड पहली टिप जिसका नाम है इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो पहले हम राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन, एंड यहां पर हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं ताकि बैकग्राउंड हो हमारे पास एक, एंड इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं स्मूथ एनिमेशन, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जो जिसका सेंटर पॉइंट है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने ये सेंटर पॉइंट्स का एंकर पॉइंट सेंटर में रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर रोटेशन हम मूव करते हैं, तो हमारे पास जो 3D रोटेशन होती है, 3D बॉक्स होता है, इसके 3D रोटेशन होती है, एंड हम अगर यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ये नीचे से रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसका एंकर पॉइंट नीचे की तरफ है। एंड हम अगर इसका एंकर पॉइंट शिफ्ट करके चेंज करें, यहाँ से पैन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर रख दिया इसको लेफ्ट कॉर्नर में, तो अभी यहाँ से रोटेट होगा ये, इसकी एक्सेस चेंज करके दिखाते हैं, ये देखो ये अभी वो वाले कॉर्नर से रोटेट होगा सारा। तो हम इसका यहाँ से एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसका एंकर पॉइंट ना सेंटर में रख देते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली इजी इज देखना है एंड ग्राफ एडिटिंग देखनी है। तो हम पहले टेक्स्ट को इधर रख देते हैं साइड पर, यहाँ पर हम पी दबाकर पोजीशन खोल देते हैं, हमने की फ्रेम लगाया, एंड हम चाहते हैं कि 2 या 3 सेकंड के बाद, यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप, 2 या 3 सेकंड के बाद इसकी जो पोजीशन है वो जाए सेंटर में, इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एन दबा सकते हैं, राइट क्लिक, ट्रिम कम टू वर्क एरिया, तो अभी प्ले करते हैं वीडियो को, तो भी इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। अगर एनिमेशन का स्टाइल आपने चेंज करना है, थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हो सकती है, थोड़ी सी स्मूथ लुक होती है जो, वो कैसे होगी मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड यहाँ से चूज करेंगे इजी इज इन, एंड पहले वाला की फ्रेम इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड यहाँ से इजी इज आउट। तो अभी प्ले करते हैं एनिमेशन में, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिफरेंस होगा, देखिए ये फास्ट
एंड एकदम से थोड़ी स्लोली। तब इसको और इम्प्रूव अगर आपने करना है तो दोनों की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट दबाकर, एंड यहाँ से हम ओपन करेंगे ग्राफ एडिटर। यहाँ से आप राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ, एंड यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये की फ्रेम्स हमारे, इसको उठाकर हम इधर की तरफ कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो भी देखिए अभी थोड़ा सा और डिफरेंस होगा एनिमेशन में। ये देखा पहले एकदम से फास्ट आया फिर स्लो गया। तो इस तरीके से आप इजी इज एंड ग्राफ एडिटर का यूज करते हुए अपनी एनिमेशन के स्टाइल को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो अब हमारा सेकंड एक्स्ट्रा टिप, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आप जैसे वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कट्स वगैरह लगाने, सीन अलग अलग जोड़ने हैं, वो चीज़ें आपको अभी बताऊंगा। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पर हम अपनी दो वीडियोस को लेकर आते हैं। तो ये कॉम्प को भी हम डिलीट कर देते हैं, नई कॉम्प बनाएंगे, न्यू कॉम्पोजिशन। ओके, सबसे पहली वाली क्लिप को हम यहाँ पर ले आए, एंड ये हम चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले वाली चीज़ हमें डिलीट करनी है। तो उसके लिए आप जाएंगे एडिट में, यहाँ से करेंगे स्प्लिट लेयर, तो ये स्प्लिट होगी। अब नीचे वाली जो नहीं चाहिए आपको वो सिंपली यहाँ से डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब अगर ये आपको चाहिए यहाँ तक, तो फिर से यहाँ पर हम एडिट पर जाकर स्प्लिट लेयर, फिर हम आगे से ढूंढ सकते हैं। जाकर स्प्लिट लेयर जो नहीं चाहिए बीच में से उसको आप यहां से कर सकते हैं डिलीट, ये भी नहीं चाहिए तो उसको भी कर सकते हैं डिलीट। तो इस तरीके से जो दो क्लिप्स हैं हमारी, इसको उठाकर हम शुरू में ले आएंगे, शिफ्ट दबाकर करेंगे तो ये स्नैपिंग हो जाएगी। अब इसके बाद आप दूसरी क्लिप लगाना चाहते हैं तो दूसरी क्लिप को यहां पर ले आइए, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितनी ये क्लिप चाहिए। इसको हम स्क्रीन पर फिल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एंड ये आपको अगर चाहिए यहाँ से तो यहाँ से सिर्फ, तो यहाँ से भी हम एडिट पर जाकर करेंगे स्प्लिट, ये वाला पार्ट डिलीट, एंड इसको उठाकर आगे की तरफ। तो अभी ये क्लिप्स हमने जैसे बना ली, तो जो चीज़ आपने पहले देखी थी टाइमरी मैपिंग हमने की थी ना, राइट क्लिक करके टाइम एंड टाइमरी मैपिंग, जैसे स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन हमने किया था, तो वो चीज़ अगर तीन क्लिप्स हों हमारे पास तो वो चीज़ यहाँ पर कैसे करेंगे। उसमें तो हमारे पास एक ही क्लिप थी, इसमें हमारे पास तीन क्लिप्स हैं, तो हम क्या करेंगे तीनों को इससे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, राइट क्लिक एंड कर देंगे प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनसाइड। ओके, अब यहां पर हमने राइट क्लिक करना है टाइम टाइम रीमैपिंग, तो अभी एक क्लियर बन गई। अब उसी तरीके से हम जैसे हमने पहले किया था स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर भी कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर नीचे टॉगल स्विचेस करके यहां से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहां पर विजिबल कर सकते हैं, जैसे ये 3D की ऑप्शन होती है, एंड यहाँ पर ये मोशन ब्लर की ऑप्शंस होती है, तो ऐसे काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं। एंड यहाँ पर आप ट्रैक मैट्स की ऑप्शंस भी लेकर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपके पास एक और लेयर भी है साथ में तो यहाँ से आप ट्रैक मैट की ऑप्शंस होती चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स की ऑप्शंस हैं जो फोटोशॉप पर ही होती हैं, ऊपर भी होती हैं, यहाँ पर लेयर पर जाकर यहाँ से लेयर स्टाइल्स के अंदर होती हैं, ये बेवल एम्बॉस, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये फोटोशॉप वाली सेम चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, मतलब बहुत बड़ा आफ्टर इफेक्ट्स है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैंने कोशिश की आपको बेसिक जो इसको ओवरव्यू होता है ना वो कोशिश की बताने की। यहाँ पर भी मोशन ब्लर, शाई लेयर्स, ऐसे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। वैसे ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी जो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए बिगिनर्स हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएं, कुछ नया कुछ अच्छा देखने को सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड इन आफ्टर इफेक्ट्स सीखने में उनके साथ शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।